तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और यहां पर पूरे देश से भक्तों का अंबार जुटा है। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार भक्त यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से आए हैं, उनका क्या कहना है, ये तमाम चीजें उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? अंजनी कुमार रस्तोगी। कहां से आए हैं? वाराणसी से। क्या कहना चाहेंगे? प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, राम जी का हमारे भव्य मंदिर बना हुआ है, इसके लिए तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि हमारे योगी और मोदी जी जो करके दिखा दिया वो पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। और विपक्ष लगातार कह रहा है, विपक्ष का तो कहना काम ही है, उसको रोजी रोटी कैसे मिलेगी? तो प्रधानमंत्री के जो आगमन होने वाला है 22 तारीख, इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि हमारे योगी जी और मोदी जी इसकी आगमन नहीं करें तो क्या कोई पूर्व मंत्री आगे थोड़ी ना करेगा? जिन्होंने मंदिर रामलीला जी को स्थापित किया है वही इसको इसका भूमि पूजन भी करेगा, और वही इसको जो हम लोग को अयोध्या दिलाया है वही हम लोग को मथुरा भी दिलाएगा, वो काशी तो मिली गई है हम लोगों को और वही हम लोग को मथुरा भी दिलाएगा। अब आपका नाम कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? मेरी बेटी है, बनारस से आई है। अच्छा, देखिए लगातार भक्त हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रभु श्री राम का जो मंदिर निर्माण हो रहा है इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और तस्वीरें सीधा आप अयोध्या राम जन्मभूमि से देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम तरह की तैयारियाँ हैं वो हो रही है। और जो 22 तारीख को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसे लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। और देखिए कि किस तरीके से भक्त यहां पर उत्साहित है और तमाम तरह की जो यहां पर कोशिशें हैं उसको किया जा रहा है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। और तमाम तरह के जो भक्त हैं आप देख सकते हैं कि जब उनकी नज़र कैमरे पर जाती है तो वो उत्साहित होते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो तैयारी चल रही है और लगातार यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। ये भारत में सनातन धर्म के लिए एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। इमारतें हैं उसको सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है और इधर आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो तेज गति से चल रहा है। अभी भी बहुत ऐसे काम है जो अधूरे हैं लेकिन युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है और तैयारियां जो है वो 22 जनवरी को लेकर यहाँ पर की जा रही है और अब इसे अंतिम पायदान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश यहां पर हो रही है। Lola Jinga, Lola Jinga.